आप वो हो ना जो वहां लास्ट में एकदम एलईडी के पास में जेल जैसे टंगे हुए थे, कह रहे थे कि हमें नहीं बुलाओगे क्या, गरीबों के भगवान नहीं होते हैं क्या, गरीबों की नहीं सुनते हैं क्या, ठटरी के बारे का हम अमीर तुम्हें दिख रहे हैं, कहाँ के हो? गुरुदेव उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे सर सुबह हमने ड्यूटी गए थे, ड्यूटी से हम आए घर पे, ये हमारे मिसेस हैं, इनको बोला चलो कपड़े के लिए झगड़ा हो गया है कि हम ये बोली हम नहीं जाएंगे, हम अकेले जाएंगे, बोले जब आपको नहीं जाना था तो हमको क्यों बुलाए ड्यूटी से, हम ड्यूटी पे ही रहते है। तो फिर जबरदस्ती लेके आए, उधर एलईडी के पास खड़े थे, तो वहां से हमने सन्यासी बाबा को बोला कि सन्यासी बाबा अगर आज हमको बुला लेंगे तो हम आज कथा भी सुन के जाएंगे, और नहीं बुलाए तो वापिस हम ड्यूटी पे चले जाएंगे। धमकी? धमकी नहीं दिया गुरुदेव गुरु। धमकी? क्या समाधान आप चाहते हो? भगवान से क्या समाधान चाहेंगे, सब उनको पता ही है। बालाजी, बालाजी की शरण में आए हो तो हमें आप दोनों को रास्ता देना। पहला हमने लिखा आपके लिए आय के स्रोत का, आय के स्रोत बढ़ेंगे, धन तंगी है, कर्ज से जूझ रहे, कृपा होगी। दूसरा प्रमुख प्रश्न है आपस के कलेश का, आप इन पे शक करते हो, ये भी विचित्र हरकतें बीच में करने लगती। एक, शिव पूजा करो, आप भी कम नहीं हो, आप किसी भी व्यक्ति से इनको जोड़ने लगते हो, ये भी कम नहीं है, धमकी बार बार अपने मन की चलती। समझ गई बेटा, बात समझ आ रही है आपको? आज के बाद हमें ना आपकी शिकायत मिले ना तुम्हारी शिकायत मिले, कोई कम नहीं है, इसलिए आज के बाद दोनों नई जिंदगी प्रारंभ करो, आपस का क्लेश मिटाओ, और जो तलाक की स्थिति अलग होने की बन जाती है बीच बीच में वो नहीं बनेगी, और दोनों जीवन भर एकता के साथ रहोगे। जाओ, आशीर्वाद है।